الحمد لله الذي هدانا للاسلام والصلاه والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد سيد الانس والجان وعلى اله واصحابه الكرام الى يوم القيامه. اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم: لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه، وقال الله تبارك وتعالى: انك لعلى خلق عظيم، وقال الله تبارك وتعالى: لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال الله تبارك وتعالى فبما نقضهم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك صدق الله مولانا عظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سلام على خير الانام وسيدي حبيب الله العالمين محمد بشير نذير هاشمي مكرمي عطوف رؤوف من يسمى بأحمد فيا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مختحمي منزه عن شريك في محاسن وجوهر الحسن فيه غير منقسم فيا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم अल्लाह की बारगाह में हज़ सिपाश पेश करने के साथ अल्लाह के नबी सैदुलमरसली इमामुमती ख़ातमनबी आलमीन अहमद मुस्तफ़ा महमद मुशतबा सल्हम की बारगाह इकदस में सलाम के बाद मैं लाजमी फ़र्ज समझता हूँ अपने उन भाइयों का शुक्रिया अदा करूँ जिन्होंने इस शानदार प्रोग्राम के मनद करने की मेहनत की कोशिश की और इस कॉलेज के जिम्मेदारान जिन्होंने इस तरह के प्रोग्राम मनकद करने की इजाज़त दी उनका भी शुक्रिया मुझसे फरमाया गया कि सीरत तयबा के हवाले से यहाँ ये प्रोग्राम मुनद हो रहा है तो जाहिर है सीरत तयबा की मजिस में शिरकत करना चाहे वो गुफ्तू करने के लिए हो और चाहे वो गुफ्तु सुनने के लिए हो शत ही शहादत है वो लम्हे इंतहाई कीमती वो घड़ियाँ इंतहाई पाकिज़ा और वह सातें यादगार हैं जो सातें गुजर जाए जिसालत के तस्करे बयान करने में या जिसत का तस्करा सुनने में सरत तय्यबा के किस पहलू पर गुफगु की जाए अगर मजमा उलमा का होता है तो सीरत तय्यबा की गुफतगु उसी अंदाज से होती है अगर मजमा कानून बनाने वालों का हो मसलन कोई पार्लियामेंट हो तो सीरत तय्यबा को गुफ्तु की जाएगी कि मोहम्मद और रसूल कानून कैसे बनाते थे ताकि उनके सामने नमूना आए अगर मजमा फिलासफरों का हो तो फिर सैरत तयबा की फिलासफी और उसकी गहराइयां बयान की जाती हैं क्योंकि सुनने वाले उसी में अंदाज के होते हैं अगर सुनने वाले आवाम का मजमा होता है तो फिर सरत तयबा के वो पहलू बयान किए जाते हैं जिसका ताल्लुक बराह रास्त अवाम से हो अगर सुनने वाले गरीबों के लाइन के लोग हों तो सरत तयबा के वही पहलू सामने लाए जाते हैं जिसे गरीब को नमूना मिल जाए अगर सुनने वालों का मजमू अफसरों का हो तो उस वक्त महम्मद रसोल्ला की सीरत बहसीत हुक्मरान बहसियत अफसर बहसीत सरबरा बहसत रूलर पेश की जाती है ताकि उनके सामने वही नुमा आए गर्ज है कि जैसा मजमा होता है सुनने वालों का उसी अंदाज से सैरत बयान की जाती है मेरे सामने इस वक्त नौजवानों का मजमा है उसमें वो नौजवान जो उम्र के एतबार से हमारे भाइयों या हमारे बेटों के एतमें हैं और वो नौजवान बच्चियाँ हैं जो उम्र के एतबार से या तो हमारी बहनों के बराबर हैं या हमारी बेटियों के बराबर हैं जाहिर है इस वक्त अगर मैं सैर तैयब के उन पहलुओं का तस्करा करूं जिन पहलुओं का आपकी जिंदगी से बर रहा कोई टच नहीं तो आप सुनने के हद तक सुनेंगे याद रखने के हद तक याद भी रखेंगे और आपको ईमानी और रूहानी फायदा होगा मगर उस पहलू को छोड़ करके अगर बराह रस वह पहलू लाया जाए जो बर आपकी जिंदगी से इस पर टच कर रहा है आप इस पर जमाने की जिंदगी गुजार रहे हैं और अपनी जिंदगी के नाजुक तरीन क्रशल टाइम से गुजर रहे हैं इसमें आपके बिगड़ने के भी बहुत खतरे हैं और बनने के भी बहुत इम्कान हैं आप बिगड़ जाएंगे तो सारी जिंदगी आपकी बिगाड़ का शिकार होगी और अगर आप बने संवरें और अपनी जवानी को सही तरह से गुजारा तो आपकी आइंदा की सारी लाइफ उसी मजबूत बुनियाद पर खड़ी होगी तो ऐसे मौके पर बेदार मगजी का तकाजा यह है कि सरत तय्यबा के वह पहलू सामने लाए जाए जो पहलू बराह राश आपकी जिंदगी से जोड़ खाते हैं बर साहब की ज़िंदगी से मुतक हैं और मेरा यहाँ आना मेरे जिन भाइयों ने यहाँ आने के लिए यहाँ लाने के लिए कोशिशें की उनकी कोशिशें और हमारा यहाँ हाजिर होना और जिन भाइयों ने यहाँ तक पहुँचाया उनकी सारी मेहनत यकीन सबरा अवर हो जाएगी अगर इस वक्त की गुफ्तु से हमारे किसी एक नौजवान चाहे वो लड़का हो या लड़की मुस्तबिल की जिंदगी अच्छी गुजरे और वो कुछ सबक ले करके सारी ज़िंदगी को उसी सबक के मुताबिक गुजारने का पैगाम लेकर के जाए तो फिर सीरत तयबा की इस मजलिस का नफा यकी है वरना कभी ऐसा होता है सीरत पर शानदार गुफ्तु की गई सीरत पर शानदार प्रोग्राम मुनिद किए गए लेकिन जिंदगी सीरत के नमूना लेने से खाली थी और आयदा भी खाली रहती थी ऐसा भी होता है कि सीरत के मजलिस में कोई साहब आए और वो जो कुछ बोल रहे हैं सीरत के मुतालिक खुद उसकी जिंदगी सैरत से हटी हुई और वो सीरत को अपनाने के लिए तैयार नहीं मगर सीरत पर ताक इस तरह देंगे कि सारे लोग वाहवा करेंगे मगर सुनने वाले जो वाहवा करते हैं वो भी सरत से महरूम है और बोलने वाला जो बोल रहा है वो भी सैरत से महरूम है तो इस तरह की गुफ्तु बस बोलने के हद तक तो लज्जत आमेज है सुनने के हद तक तो हलावत तो उसमें है मगर अमली तौर तो पर वह हमारे लिए नमूना नहीं बन पाती तो इसलिए बहुत मुनासिब है कि सीरत का वो पहलू सामने लाया जाए जिसमें महम्मद रसूल रसूल्ला के वो कमालत वो पहलू वो अपील करने वाले जाविये जिनका ताल्लुक बरह रास नौजवान नस्ल है वही पहलू सामने लाए जाए इसलिए कि मुखातब नौजवान ही हैं तो नौजवान दोस्तों महम्मद रसूल रसूल सल्ला वसम कमालत के एतबार से इस कायनात में सबसे ऊंचे मकाम पर हैं कमाल चाहे जिस दर्जे का भी हो आप चाहे इलमी कमाल ले लें चाहे अखलाकी कमाल लें, चाहे सेहत का कमाल लें चाहे कैरेक्टर का कमाल लें चाहे हमदर्दी और शफकत का कमाल जो भी पहलू इस दुनिया में अच्छाई का पाया जा सकता है उस पहलू में मोहम्मद और रसोल्ला के मकाम पर कोई नहीं पहुंच सकता और यह सिर्फ एक मुसलमान अकीदत की बुनियाद पर नहीं हकीकत यही है कि जब भी कोई दुनिया में शख्स मोहम्मद और की सीरत पढ़ेगा और जहन को खाली रखकर पढ़ेगा हकीकत पसंदी को सामने रखकर पढ़ेगा तासुब की एनक उतार करके पढ़ेगा नफरत की एनक एक तरफ रख करके पढ़ेगा और ओपन जहन रख करके जब पढ़ने लगेगा तो बे वो तो कह सकेगा कि इस जैसी पाकिंदगी तो किसी की भी नहीं मक्का मक्रमा में हमारे नबी ने तेरह साल वो गुजारे हैं जिसमें सख्तरीन मुखालफतें, दुश्मनियाँ, अदावतें जुल्म, कि सब कुछ होता रहा है मगर उस मक्का मुकरमा की सरजमीन में एक शख्स भी ऐसा नहीं पाया गया जो आपके कैरेक्टर को दाग लगा सके जो ये कह सके कि आपका कैरेक्टर फला एतबार से नौजबी मिजालिका कोई लूज था तकलीफ देने वाले हर तरह तो की तकलीफ पहुंचाते रहे पर कोई नहीं कह सका कि आपकी जवानी तो खुद ऐसी गुजरी है आपने जवानी में फला फला काम ऐसा नामनासिब ना, ना काम किया है कोई नहीं कह सका इसका मतलब यह है कि उनकी जिंदगी इतनी पाकिजा जिंदगी थी कि जो उनके दुश्मन हैं वो भी कोई इल्जाम लगा सके वरना जाहिर है जो लोग झूठी तोहमतें लगाते थे जो लोग मारने के प्लान बनाते थे अगर उनको यह पता चल जाता कि इनकी जिंदगी में फला पहलू लूज है जवानी में फलाने गलतियां इनसे हुई हैं तो लाजमन उसको हाईलाइट करते मगर एक तरफ से वो वह नहीं करते थे दूसरी तरफ से कहते थे इससे ज्यादा अमानतदार और कोई नहीं इससे ज्यादा पाकिदा और कोई नहीं ये तो हजूर की एक कामयाब तरीन शख्सियत की वो अलामत है जिसका एतराफ उनकी दुश्मनों ने किया जब पहली वही नाजिल हुई है जनाब रसोल अक्रमल्म पर तो जाहिर है उससे पहले हजूर पर कोई हुक्म अल्लाह की तरफ से नहीं आया जूर अकलम मक मकर्मा में एक आम इंसान की तरह से जिंदगी गुजार रहे थे उसी सोसाइटी के फर्द होने की से। जब पहली वही नाजिल हुई है जिसका तस्करा हदीसों में भी आता है सीरत की किताबों में भी आता है बल्कि बुखारी शरीफ में तो पहले चैप्टर में ही वह हदीस नकल की गई है कि वही जब आई है तो क्या वाक हुआ था जब यह पहली वही नाजिल हुई है और हजरत नबी सलाम गारिरा से नीचे उतर करके अपने घर पहुंचे हैं और अपनी अहलिया से यह कहा कि मुझे लगता है शायद मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा क्योंकि नबी को कोई हुक्म नहीं आया था मगरत रोजी उस वक्त बोले थे वह असल आपकी सीरत क्या थी उस वक्त तक आपने फरमायाबदा अल्लाह आपको कभी भी इस तरह की परेशानी का शिकार नहीं होने देगा जिस तरह से आपको खतरा लग रहा है आप तो गरीबों की हमदर्दियाँ करने वाले हैं मेहमानों के मेहमान नवाजियां करने वाले हैं रिश्तेदारों के साथ बेहतरीन सुलूक करने वाले हैं फाका फाका मस्त इंसानों की हमदर्दी करने वाले हैं जिसको कोई पूछने वाला और उसको आप खबरगिरी करते हैं जो किसी मुसीबत का शिकार हो जाए उसकी उसकी मुसीबत दूर करने के अलावा आप कमर हो जाते हैं यानी इंसानियत के एतबार से मोहम्मद का जो उस वक्त का कैरेक्टर था कैरेक्टर उनकी बीवी की जुबान से सामने आ गया उस वक्त तो उन्होंने यह नहीं कहा आप अल्लाह की बहुत बड़ी इबादत गुजार आपके बहुत अजीब मौजात हैं आप अल्लाह के बहुत प्यारे हैं आप बहुत ज्यादा इबादत का पहलू सामने नहीं लाया उन्होंने सामने क्या लाया आप इंसानियत नवाज हैं तकरीन वाला नवाबल बुखारी शरीफ में पांच जुमले नकल किए बुखारी रही उसम खदीजा रजी अल्ला के जरिए से मोहम्मद रसूलुल्लाह की शख्सियत का पूरा तारफ आ गया कि आपकी जिंदगी उस वक्त कैसी गुजरती थी गर्ज मोहम्मद और रसूल की सीरत का वो पहलू जिसका ताल्लुक आज के हम नौजवान नस्ल के साथ है वो यहां से स्टार्ट होता है कि आपने अपनी जवानी का आगाज किया इस हाल में कि आपकी निगरानी करने वाला कोई नहीं था निगरानी करने वाला वालिद होता है निगरानी करने वाला भाई बहन होते हैं निगरानी करने वाली सोसाइटी होती है लेकिन उस वक्त की सोसाइटी गंदी तरीन सोसाइटी थी जिस सोसाइटी में हर तरह का जुर्म खो रहा था निगरानी आपके वालदे करते हैं, मगर ना आपके वालिद थे ना आपकी वालदा थी निगरानी आपके भाई बहन करते हैं, मगर आपका ना कोई भाई था ना कोई बहन थी इस इस हालत में आपकी जवानी स्टार्ट हो रही है उस जवानी के बिगड़ने के इम्कान कम होते हैं जिस जवानी में कोई डिफेक्ट हो मगर जो जवानी बहुत कामयाब जवान हो और हर तरह से मुकम्मल जवान हो और सेहतमंद भी हो और खूबसूरत भी हो उसके बिगड़ने के इम्कान ज्यादा ही होते हैं अगर निगरानी ना हो मोहम्मद रसोल्ला अपनी जवानी का आगाज इस तरह से किया जिसमें बहुत सेहतमंद बहुत मुकम्मल बहुत ज्यादा खूबसूरत निगरानी करने वाला कोई नहीं हिफाजत करने वाला कोई नहीं टोकने वाला कोई नहीं अच्छाई बुराई को समझाने वाला कोई नहीं सोसाइटी गंदगी में डूबी हुई है इस जवानी में मोहम्मद रसुल्ला की इस माहौल के अंदर मोहम्मद की जवानी का आगाज हो रहा है आज के हर नौजवान के लिए मोहम्मद की जिंदगी नमूना है वो जिंदगी जो आपने से शुरू की वो आपने इस हाल में शुरू की कि आपके खाने पीने का कहीं कोई इंतजाम नहीं था आपके वालदेन नहीं है आपके भाई बहन नहीं है एक रात एक चचा के घर में गुजरती है दूसरी रात किसी दूसरे चचा के घर में गुजरती है एक रात खाने काबा में गुजरती है दूसरी रात कहीं और गुजरती है ना आपके पास कोई सोर्स है जिसमें आप आराम के साथ अपना वक्त गुजार सकें मगर अपनी जवानी को उन्होंने कोई दाग लगने नहीं दिया ता उस वक्त तक जबकि आपकी उम्र पच्चीस साल की हो गई और जिस वक्त आपका निकाह हो रहा था तो आज के जवान के लिए मोहम्मद रसूल की वो जिंदगी जो 10 साल से लेकर के 25 साल की उम्र तक है और ये बहुत ही क्रोशल जिंदगी का टाइम है ये टाइम आज के जवान के लिए नुम है खूस आज के उस जवान को जिसको आज के माहौल के बिगाड़ में बह जाने के बहुत खतरे हैं क्या यह हकीकत नहीं है कि आज के जवान का पीछा आज के माहौल का ड्रग्स कर रहा है क्या यह हकीकत नहीं है कि आज के जवान का पीछा फजूल खर्चियां कर रही हैं क्या यह हकीकत नहीं है कि आज के माहौल में वह सारे बुरे काम होते हैं जो बुरे काम पहले बुरे समझे जाते थे आज वो अच्छे समझे जाते हैं और अच्छे समझ करके मुझे इतफाक से जब यहां आ रहा था तो बहुत जमाने के बाद अलामा इकबाल का एक शेर याद आया इकबाल आप जानते हैं ये वो शख्स था कि जो मशरक से उठा और मगरब की तमाम वादियों से गुजर करके फिर पुख्ता मोमिन बना था और इस कदर पुख्ता मोमिन था जिसके पुख्ता ईमान का हम अंदाजा नहीं कर सकते किस दर्जे का पुख्ता ईमान उस शख्स का था आमाली तौर तो पर हो सकता है कहीं कोई कमजोरी रही हो लेकिन फिक्री तौर तो पर इस दर्जे पुख्ता ईमान वाला इकबाल है कि अंदाजा करना मुश्किल है और उसकी बहुत सारी वजहों में से बड़ी वजह यह है एक मरतबा ने एक करोड़ मरतबा था। हो सकता है आप कभी इसको बोलना चाहें तो आपको मुमताज मुफ्ती वो असल में तो नाविल नगार थे उन्होंने हज किया और हज के सफर को उन्होंने लिखा लबे लिखा हुआ है और भी कई मुसनफी ने लिखा तो अलाम इकबाल के बहुत जमाने के बाद मुझे शेर याद आए से और फारसी में उन्होंने शेर कहा था पूरी एक रुबाई है वो जिसको तो वो ये कहता कहना चाहते हैं कि मुसलमानों तुम लोग ये समझते हो कि मगरब में तरक्की हुई मगर याद रखो मगरब की तरक्की न डानस से है मगरब की तरक्की न फैशन से है मगरब की तरक्की न नंगापर से है मगरब की तरक्की तो मेहनत से है इल्म से है साइंस से है कुर्बानियों से है अगर तुम्हें लेना है वहां से तो ये लेना कुत मगरब ना चंगो रबाब वहां की तरक्यां जो है वो डानसों से नहीं है वहां की तरक्या सांसी मेहनतों से है कुत मगरब ना चंगो रहा ना अजदुख तरान बेहिजाब वहां की लड़कियां फैशनेबल हों या नंगी हो जाए उसकी वजह से मगरब की तरक्की नहीं है मगरब की तरक्की जो है वो तो उनकी मेहनत से है तो मोहम्मद रसोल्ला की जवानी उसमें आपने अपनी जवानी को कोई दाग गुजार रहे हैं आप बार बार अपनी इस जवानी को चक करके देखें आपकी जवानी को कोई दाव तो नहीं लग रहा है अगर खुल करके बात सुनना चाहें तो यूं कहिए कि हर नौजवान लड़का होने वो तमाम बीमारी नोट करके रखनी चाहिए जो आज की सोसाइटी में किसी नौजवान लड़के और लड़की को हो सकती है और उन तमाम खराबियों में देखना चाहिए मैं कौन सी खराब कर और जिस खराबी में मुबतला हो रहे हैं या होने वाले हैं या खींचे जा रहे हैं या फंस चुके हैं वानी आपके हाथ में अमानत है आपकी जवानी आपके हाथ में डायमंड है बहुत मासूम जवानी अल्लाह ने आपको अता की है यह मासूम जवानी आपकी गलत कैरेक्टर की वजह से तबाह हो सकती है नौजवानी रहमत भी है और इंसान इसको बिगाड़ करके जहमत भी बना सकता है जनाब रसूल रसुलकर कभी कभी दुआ के जरिए से कोई मैसेज देते थे चुनाचे हजूर अपने लिए दुआ कर रहे हैं या मैं गुमराह ना हो जाऊं क्या इस बात का इमकान है कि वो गुमराह हो सकते थे आपने फरमायाल्ला मेरी आंख गलत ना देखी क्या इस बात का इम्कान है कि वह मोहम्मद उजाद की आंख गलत देख सकती होगी हजूर ने फरमाया ऐसा न हो मैं फिसल जाऊं क्या मोहम्मद फिसल सकते थे या अल्लाह ऐसा न हो कि मैं किसी पर जुल्म करूं या किसी किसी का मुझ पर जुलम आ जाए या अल्लाह ऐसा कर जाए ये दुआओं के जरिए से आप समझाना चाहते हैं ये सारी खराबियां हैं जिन खराबियों से बचने का मैं ऐसी बीवी से हिफाजत चाहता हूं जो बीवी मुझे वक्त से पहले बूढ़ा कर दे जाहिर है यह तो शौहरों का केस है आप में से अक्सर अभी उस स्टेज पर पहुंचे नहीं आगे हुजूर ने फरमाया या अल्लाह मैं ऐसी औलाद से पनाह चाहता हूं जो औलाद मिले मुसीबत बन जाए जाहिर मोहम्मद रसोल्ला की औलाद कौन सी थी जो मुसीबत बन सकती थी वहां अगर बेटी है तो फातिमा और फातिमा से ज्यादा प्यारी बेटी इस कायनात में किसके पास कहां थी उससे पहले जो बेटियां थी वो तो दुनिया से रुख हो चुकी थी और उनसे पहले जो बेटे थे वो तो बचपन में दुनिया से जा चुके थे इसके बावजूद अगर उन्हें दुआ की है या असल में मैसेज दिया नई नस्ल को कि तुम अपने कैरेक्टर को कितना खराब मत करना कि कल को तुम्हारे वालदेन कहने लगे इससे ज्यादा बेहतर यह था कि हम बगैर औलाद के होते मगर ऐसी मुसीबत वाली औलाद हमें नहीं चाहिए थी ऐसी मुसीबत वाली औलाद बन गई नौजवान लड़का हो या लड़की जब यह बिगड़ जाता है बिगड़ने के बाद फिर यह अपने लिए मुसीबत बनता है या अपने वालदेन के लिए मुसीबत बनता है इसलिए मेरे नौजवान भाइयों चाहे आप लड़के हो या बेटियां हों अपनी जवानी को उन तमाम खराबियों से बचा करके निकाल के ले जाए आपके लिए सबसे बड़ा इम्तहान इस वक्त यही है और मोहम्मद रसुल्ला की जवानी की सरत आपसे यही मुतालबा करती है गोया पच्चीस साल की उम्र में जब आपका निकाह हुआ उस वक्त आप खामोश जुबान से कह रहे हैं मेरी जवानी को देखो पाक साफ जवानी है इसमें कहीं कोई दाग नहीं लगा इसमें कहीं कोई बुराई नहीं आई और जिस वक्त आपका निकाह हुआ था ज़ाहिर हजूल यतीम थे उनके वालिद नहीं उनकी वालदा नहीं उनका निकाह किया उनके चाबालिब ने और जिस खातून के साथ निकाह हुआ वो चालीस साल की उम्र की हद खदीजा थी उनके साथ निका हुआ है तो चालीस साल की खातून के साथ पच्चीस साल के जवान और खूबसूरत तरीन जवान का निका हो रहा है उस निका की मजलिस में अबू तालिब ने जब तकरीर की और खुतबा पढ़ा और उसमें शायरी की और वह दिलचस्प बात यह है कि अबू तालिब ने उस वक्त जो शायरी नात पढ़ी थी उस नात का एक शेर इमाम बुखारी ने बुखारी शरीर में नकल किया हालांकि बुखारी शरीर हदीस की किताब है और हदीस में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें नकल होंगी हदीस नाम ही उसका है अबू तालिब की बात अबू तालिब का शेर बुखारी शरीफ में नकल होने के कोई माना ही नहीं है पर इसके बावजूद इमाम बुखारी ने उस नात में से एक शेर इसमें शामिल कर दिया है मुझे वो शेर इस वक्त नहीं सुना है कि अबू तालिब ने निकाह की मिस में खड़े होकर के ऐलान के साथ वो शेर पढ़ा उस शेर का तर्जमा यह है ए मक्का के लोगो मेरा यह भतीजा माली एतबार से यकीनन कमजोर है मेरा ये भतीजा यतीन जरूर है मेरा ये भतीजा इस तरह है इसका ना है, रम्मा है। मगर किरदार के एतबार से कोई मक्के का जवान इसका मुकाबला नहीं कर सकता ऐलान कर रहा है वो कि मेरे इस बे का किरदार देखो कितना पाकिजा है बस वही किरदार आज हमारे नौजवान लड़के के और लड़के के लिए जिस वक्त आपका निका होने वाला होगा उस वक्त आप फख्र के साथ कह सकें मेरी जवानी बिल्कुल पाक साफ थी और खुदा न खास अगर आपकी जवानी को कोई दाग लग गया उस वक्त एक तरफ से खुशियां होंगी और दूसरी तरफ से वो दाग आपको अंदर के साथ वैसा पाक नहीं हो जैसा मुझे होना चाहिए निकाह होने वाला हो वो वसर के साथ अपने होने वाली जिंदगी के साथ ही को कह सके अलहमद मेरी निगाह भी पाक है मेरा दिल भी पाक है मुझे किसी के साथ कोई कांटेक्ट नहीं रहा मुझे किसी के साथ अफेयर नहीं थे मुझे किसी के साथ बुरा नहीं बुराईयाम भी अपनी जवानी को ऐसी पाकिजा जवानी बना करके दिखाएं और यही सीरत तैयब तो आपके साथ आएगा मोहम्मद रसूल को अपनी उम्मत के जवानों की खास अंदाज से फिक्र रहती थी इसलिए जवानी में पेश आने वाले मुश्किल मराहिल रहते थे हुजूर ने फरमाया तुम्हारा कितना बुरा हाल होगा जब तुम्हारे नौजवान बिगड़ जाएंगे नौजवान यह गलत ताल्लुका में मुबतला हो जाए इसका मतलब बिगड़ गए बिगाड़ कभी ख्याल के एतबार से आता है और कभी कैरेक्टर के एतबार से आता है एक इंसान कैरेक्टर के बाद से बहुत अच्छा है मैं सोच उसकी सही नहीं है मुझे अभी कल एक यही कश्मीर के तलब ने फोन करके कहा कि मेरा कोई कजिन दिल्ली में है और वो वहां से फोन पर बताता है ना खुदा कोई चीज़ है ना मोहम्मद कोई चीज है साथ में यह लड़का कह रहा था क्या लगा जी बहुत अच्छा लड़का है वो बहुत शरीफ है बहुत अखलाक वाला है बहुत नरम मिजाज है मगर ख्याल ये आ गए तो गए ख्याल कभी कभी बिगाड़ आता है और कभी ख्याल तो हैं ठीक कि जो हम अल्लाह को भी मानते हैं अल्लाह के नबी को भी मानते हैं उनको अपना नबी मानते हैं मगर उसके बावजूद अमली जिंदगी जो है वो खराबियों का शिकार है तो मेरे नौजवान भाइयों मोहम्मद रसूल की जवानी की जिंदगी आपके लिए वो नमूना है कि हर वक्त इस नमूने को सामने रखें और देखें हमारी जवानी में कोई खराबी तो नहीं आ रही है आज के इस समाज में आज की सोसाइटी में सबसे ज्यादा मुश्किल तरीन सोसाइटी होती है स्कूलों और कॉलेजों की क्यों इसलिए कि यहां नौजवान भी लड़के भी होते हैं लड़कियां भी होती है ड्रग्स को कंट्रोल करने वाला नहीं बुराइयों को कोई रोकने वाला नहीं बल्कि कोई टोकने वाला भी नहीं जैसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जवानी गुजारी इस हाल में ना उनको कोई रोकने वाला है ना कोई टोकने वाला है ना कोई मना करने वाला है और जिधर चाहे अपनी जवानी ले जा सकते थे वो मगर उन्हें अपनी जवानी को दाग लगने नहीं दिया बस ठीक इसी तरह से हम में से हर हर नौजवान ये समझे इस सर मेरी जवानी मेरे हाथ में अमानत है मुझे इस जमाने को दाग लगने नहीं देना है और अगर आपने अपनी जवानी को बचा लिया और बचा करके कामयाब हो गए चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो उन तमाम खराबियों से जिन खराबियों में आज का नौजवान मुबला हो जाता है वो नौजवान जिसका बाप मसलन ऑटो चलाने वाला है वो अपने बाप से मुताबा करता है कि मुझे पचास हजार रुपए के मोबाइल चाहिए वो क्यों ये नहीं सोचता है कि मेरे बाप की माली हैसियत वो नहीं है मगर उसका अपनी चाह पूरी करनी है वो क्यों अपने वालिद से ये कहता है मुझे फला फैशन के कपड़े लेने हैं मेरे पास जितने कपड़े हैं वो आउट ऑफ फैशन हो गया अब मैं वो नहीं लेगा मुझे वही चाहिए वो क्यों नहीं ये सोचता है कि मुझे अपने वाले से वो मुताबा नहीं करना चाहिए कि जो उसकी माली पोजीशन से ज्यादा बाहरी हो आप इस जवानी की जिंदगी गुजार रहे हैं अगर शराई और कानूनी एतबार से आप पूछेंगे कि साहब हमारे खर्चे हमारे वालदे की जिम्मे हैं जवाब आएगा है शरा भी आपके खर्चे आपके वालदेन की जिम्मे नहीं है कानून अंग भी नहीं है मसलन फर्ज कीजिए अगर कोई बाप अपने बेटे या अपनी बेटी से कहेगा बेटा तुम वाले हो चुके तुम्हारा कोई खर्चा मेरे जिम्मे नहीं है ज्यादा ज्यादा मैं तुम्हारे खाने का इंजाम कर सकता हूं तुम्हें पढ़ना हो मजदूरी करो और पढ़ो तुम्हें कोई जॉब करना हो और उसके लिए ट्रेनिंग करनी हो मजदूरी करोगे तो कोई कानून उसको मजबूर नहीं कर सकता कि आपको खिलाना पड़ेगा और तो शरीयत भी नहीं इसके बावजूद अगर आपके वालदेन अपनी गाड़ी कमाइयां आप पर खर्च कर रहे हैं आप उनका एहसान क्यों नहीं मानेंगे आप ये क्यों कहेंगे कि नहीं साहब अगर हमारे वालदेन हम पर अपनी जवानी खर्च कर रहे हैं या हम पर कोई एहसान नहीं है ये तुमने तो अपनी ड्यूटी पूरी की ना हम ऐसे हर नौजवान लड़का हो या लड़की वो ये समझे कि हमारे वालदेन एक एक पैसा अगर हम पर खर्च कर रहे हैं या उनका हम पर एहसान है और हम इसको फजूल खर्चों में नहीं उड़ाएंगे बस ठीक इसी तरह से आपके पास इस पर जो वक्त है कीमती वक्त है जवानी की जिंदगी सलाहियतें उभर रही हैं आपकी दिमागी सलाहियतें भी इस परवान चढ़ रही हैं आपकी जिसमानी सलाहियतें भी इस परवान चढ़ रही हैं ये सलाहियतें बिगाड़ का शिकार हो सकती हैं आप रात रात भर नेट में रह सकते हैं आप रात रात भर चैटिंग कर सकते हैं आप गलत मैसेजों में आप वीडियो गेमों में मुबतला रहेंगे जाने किन किन खुराफातें आपके रातें गुजर सकती हैं फायदा आपका कुछ भी नहीं होगा अक्लमंद जवान वो है जो अपनी जवानी के एक एक मिनट का फायदा उठाए न कि अपनी जवानी के लम्हे को बर्बाद करे आपके रातें बुराइयों में गुजर जाएंगी वो रातें आपको कुछ नहीं देंगी कुरने करीम तला शाह बयान करते हैं तो जगह पर यह मजमून है जब आदमी का ईमान कमजोर होता है तो बेफायदा कामों में मजा आने लगता है मसलन किसी मुल्क का मैच हो रहा है आप रात भर वो मैच देखते रहे सुबह को अगर आप जिन ठंडे दिल से अपने आप से पूछे तुम्हें मिला क्या उस मैच से जीतने वालों को भी पैसा मिला होगा हारने वालों को भी पैसा मिला होगा और तुम रात भर खामका अपनी नींद भी बर्बाद कर दी अपना वक्त भी जया कर दिया अगर तुम्हारी पसंदीदा टीम ने जीत लिया तो तुम खुश और अगर तुम्हारी पसंद वाली टीम ने हार लिया तो तुम मायूस हालांकि ना तुम्हारी खुशी का उनको कोई फायदा होने वाला है न तुम्हारी मायूसी को कोई फायदा होने वाला है मगर आपने जिस चीज की खुशी मनाई वो आपकी खुशी थी ही नहीं और जिस चीज का आप गम मना रहे हैं वो आपका गम था ही नहीं और जिसके लिए आपने सारी रात गुजार दी है वो आपका कैसे नहीं था आपने अपनी रात बर्बाद कर दी मगर जहन में क्या आता है बड़ा मजा आया बस कुछ मत पूछिए रात हमारी कैसे गुजरी जब संजीदगी के साथ देखें तो कुछ भी नहीं गुजरा तो अपने वक्त का फायदा उठाएं इतना कीमती वक्त जिंदगी में और आगे मिलने वाला नहीं है आप इस वक्त जो बनना चाहें सो बन सकते हैं आगे तो जब कंधों में जिम्मेदारियां आएंगी जब आपकी शादियां होंगी उस वक्त नई जिंदगी स्टार्ट होगी उस वक्त आपके कंधों में तरह तरह की वो जिम्मेदारियां होंगी उस वक्त इंसान सोचता है काश वो जवानी के फरागत के दिन मुझे मिलते उस वक्त मैं बहुत कुछ सीख सकता था तो अपने वक्त को बर्बाद मत करें जरा रसूल अक्रम की सैरत का पैगाम के हजूर फरमाया करते थे अपनी जिंदगी के एक एक मिनट का तुम्हें हिसाब देना होगा फला टाइम में तुमने क्या क्या किया था सच पूछें हमारा इस्लाम जो है एक तरफ से यह कहता है कि अपनी सेहत बनाने के लिए अगर आप खेलेंगे उसकी इजाजत है मगर कैसे खेल में आप बैठे रहेंगे जिस खेल का फायदा आपकी जवानी को कुछ भी नहीं और आपके दिमाग को कुछ भी नहीं है वो खेल इस्लामी असूल के मुताबिक जायज नहीं है बस हम फर्ज कीजिए आप रात भर मोबाइल पर वीडियो गेम खेलते रहे सवाल यह है इस पूरी रात आपने इस मोबाइल गेम के खेलने से फायदा क्या उठाया क्या आपके जहन को कोई फायदा हुआ या आपके जिसम को कोई फायदा हुआ जब आप कुछ भी नहीं तो गया ये सारी रात आपने बर्बाद कर दी जैसे मैं अर्ज कर रहा हूं अपने पैसे का सही इस्तेमाल सीखें बस ठीक इसी तरह से अपने वक्त का सही इस्तेमाल सीखें अपने वक्त को बर्बाद मत करें आपके पास आपका वक्त इंतई है और यह कीमत वक्त आइंदा जिंदगी में आने वाला नहीं है हर मिनट दुनिया का अनमोल अनमोल हीरा है ये मिनट जो गुजर गया ये मिनट अब दोबारा वापस आने वाला नहीं है आप अपने मिनट का एक एक वक्त एक एक लम्हा ठीक तरह से गुजारें और अपने सलाहियतें पैदा करें अगली जिंदगी आपकी बड़ी जिम्मेदारी वाली जिंदगी आ रही है आप अपनी इस जवानी के आज की मस्ती में और सच ही सोच में मत गुजारें मुस्तबिल की बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधों पर आ रही है और वह जिम्मेदारियां खुद आपकी आपके घर की आपके वालदे की यह तो वह जिम्मेदारियां जो अमूमी हैं और बहजत मुसलमान के आपके कंधों पर तो आपके कौन की जिम्मेदारियां आएंगी मुस्तबिल आप हमेशा कोई अफसर होगा मुस्तकबिल में से आप में से कोई बिजनेस मैन होगा मुस्तबिल बड़ी जिम्मेदारी आ सकती हैं और छोटी बड़ी जिम्मेदारियां आप तब निभागे जब अभी से आपने सीखा हो मुश्किल को झेलना सीखा हो आपने मुश्किल का मुकाबला करना सीखा हो आपने अपने आप को कंट्रोल में रखना अपने आप को काबू में रखना तब आप मुश्किल का सिर्फ है कल अखलाक सीखेंगे तो मुस्तबिल के अखलाक वाली जिंदगी गुजारेंगे बर्दाश्त सीखेंगे तो मुस्तबिल में बर्दाश्त वाली जिंदगी गुजारेंगे आइंदा आपके कदम कंदा पर इम्तहाना आएंगे और इम्तहाना में आपके कैरेक्टर का भी इम्तहान होगा अगर आपने अभी अपने कैरेक्टर को मजबूत रखा तो आइंदा आप अपने उस कैरेक्टर को कामयाब तरह से गुजार सकेंगे मोहम्मद रसूल को जब मुसीबतों का सामना आया तो घबराए नहीं और जब आपने इकतदार आया तो इकतदार का गलत इस्तेमाल भी नहीं किया आप अंदाजा करें जब पूरे अरब में हुजूर की हुकूमत थी तो जिन्होंने हुजूर को सताया था तकलीफें पहुंचाई थी उनमें से कितनों से हुजूर ने इंतकाम लिया जवाब एक से भी नहीं आप ऐलान करके कह सकते हैं दुनिया के इंसानों मोहम्मद और रसूल्ला से ज्यादा रहमदिल इंसान इस कायनात पे कोई भी पैदा नहीं हुआ कि जब बड़े बड़े तकलीफ देने वाले आपके सामने थे और इकतदार आपके हाथ में था और आप सिर्फ इशारा कर सकते थे गर्दन उड़ा दी जाती पर आपने किसी एक को भी हुक्म नहीं दिया इसने मुझे सताया इसको इसको खत्म कर दो इसने मुझे सताया इसको जेल में बंद कर दो तो किसी एक को भी नहीं ये तभी हुआ कि जब आपने सीखा था यह सारा कुछ तो आप इस वक्त जवानी के जिस दौर से गुजर रहे हैं इसमें ये इस सारी सलाहियतें आप अपने अंदर पैदा करेंगे अगर ये सलाहियतें पैदा नहीं हो सकी तो मुस्तकबिल की जिंदगी में अपना काम हो जाएंगे आपको बर्दाश्त करना भी सीखना होगा तो मुस्तकबिल की जिंदगी में आपको कदम कदम पर बर्दाश्त करना पड़ेगा आपको अपने को काबू में करना सीखना होगा तो में में आप आप अपने को को काबू वरना ऐसा हो सकता है आपने खर्ची सीखी, कल को आप किसी दफ्तर में पहुंचेंगे तो करप्शन के साथ वहां अफसरी चलाएंगे आपने अभी बर्दाश्त नहीं सीखा कल को आप बिजनेस करेंगे मामूली गलती की बिना पर रिएक्ट करेंगे और उसके फिर आपका बिजनेस नाकाम हो जाएगा तो सब्र सीखें बर्दाश्त सीखें अखलाक सीखें और यह सारा इसी दौर में आप सीख सकते हैं मोहम्मद और रसूल जवानों के मुताबिक जो गुफ्तु फरमाते थे उनसे एक एक ये भी फरमाया पागलपन है और यह पागलपन जब सवार हो जाता है तो आदमी आगे पीछे कुछ नहीं देखता वाक़ता ऐसा ही होता है मुझे याद है एक मरतबा यही शहर के अंदर तकरीबन पंद्रह बीस साल पहले मैंने एक मस्जिद में गुफ्तु की जुमे की नमाज पर और जुमे की नमाज के बाद तकरीबन साढ़े तीन या चार बजे एक साहब मुझे मिले मैं जानता हूं उनको और उन्हें कहा कि बहुत बड़े गुना से मैं आज मैं बच गया महज आपकी गुस्तों को सुनकर मैंने कहा क्या बात हुई है उस वक्त हसन इतफाक से मोहम्मद रसुल्ला के अखलाक बयान हुए थे और आप अपने दुश्मनों से भी इंतकाम नहीं लेते थे और आप आपने अपने सताने वालों से भी कोई कभी बुरा सुलूक नहीं किया ये सारी तफसील जब बयान की तो वह कहते थे आज ठीक चार बजे फला जगह में हमारा प्लान यह था कि फला आदमी को कत्ल करना है मगर इस गुफ्तु के बाद मैंने तबा कर ली और हमने वो पलान फेर कर वो शख्स आज भी मेरे इल्म में है और इसी तरह का वाक्य अभी दो साल पहले भी पेश आया कि मैंने इसी तरह की मजलिस में गुतगु की उसके बाद शाम को मेरे एक भाई ने मुझे फोन पर बताया कि फला लड़के ने इस तरह का इरादा किया था मैंने उसका इरादा छोड़ दिया तो यह तभी होगा कि जब आप अपनी जवानी को काबू में रखने की की तदबीर सीखेंगे मोहम्मद ने क्या फरमाया जवानी किस्म का पागलपन है यह पागलपन जब सवार हो जाता है उसके बाद इंसान कुछ नहीं देखता है वह ड्रग्स में फंस जाता है रोकने वाले रोकने में नाकाम हो जाते हैं वह गलत तालु में फंस जाता है रोकने वाले रोकने में नाकाम हो जाते हैं और किन किन खराबियों में मुतला होता है मेरे नौजवान भाइयों ये जो हमारा दौर इस वक्त गुजर रहा है इस दौर में फिक्री खराबियां भी हैं अमली खराबियां भी हैं कैरेक्टर की खराबियां भी हैं और साथ में चैलेंज भी हैं आपके सामने जिंदगी का एक बड़ा लंबा चैलेंज सामने है जिंदगी का आपको कामयाब गुजारना है सेहत के एतबार से भी कामयाब गुजारना है और यह तभी होगा जब आप आज ही से अपनी सेहत की हिफाजत सीखेंगे और सेहत की हिफाजत आप वही चीज खाएंगे जो सेहत के लिए मुफीद है वो चीजें नहीं खाएंगे जो आपकी सेहत के लिए मुजिर है मगर सिर्फ जबान का टेस्ट है आज ये जितनी मार्केट में चीजें होती हैं अक्सर चीजें बस टेस्ट के हद हाँ तक खाएं वरना वो सेहत के लिए मुजिर है इसी तरह से जब नौजवान रात रात भर जागते रहेंगे और बेफायदा कामों में वेबसाइटों में घूमते रहेंगे उन वेबसाइटों में क्या क्या देखते रहेंगे वो सबको मालूम है और उनमें आपने रातें गुजार दी इसका फायदा आपकी जमाने को कुछ नहीं उसका नतीजा होगा आपकी सेहत तबाह हो जाएगी मैं आज ही सुबह मुझे एक डॉक्टर मिले तो मैंने कहा मैं ये समझना चाहता हूं आज के जमाने में खाने पीने की जितनी सहूलियात हैं उतनी सहूलियात पहले कभी नहीं थी आज बीमारी इतनी ज्यादा क्यों हो गई है कि साहब नौजवान लड़के किडनी फेलियर लड़के जो हैं वो हार्ट डिजीज के शिकार हैं ऐसी वजह क्या होगी तो वो तो सारा कुछ नहीं बता सके उसके बहुत सारी वजहों में से एक ये कि आज का इंसान टेस्ट के नाम पर अपनी सेहत को जहर खिलाता रहता है वाक आप ये कुरकुरे खाते रहेंगे ये लेज खाते रहेंगे या इस तरह की चॉकलेटें खाते रहेंगे जिसका आपको सेहत को कोई फायदा नहीं है इसी तरह से आप अपने सोने जागने का सही तत निजाम सही नहीं रखेंगे रात रात भर जागते रहेंगे अगले दिन क्लास आएंगे और वो क्लास आएंगे तो बे के साथ क्लासों में रहेंगे तो इसका यह है कि आप, अपनी सेहत को तबाह कर रहे हैं मोहम्मद जहां यह फरमाते थे कि सेहत को गलीमत समझो बीमार होने से पहले वहां यह भी कहते थे या अल्लाह मैं चाहता हूं मेरी सेहत बरकरार रहे तो अपनी सेहत की फिक्र करें आपकी सेहत इस वक्त उभरने वाली सेहत है अगर इसमें दाग लग गया तो यह गिरने शुरू हो जाएगी उसका आप फिर चुना 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 आज के जमाने में वो बीमारियां जो बीमारियां पहले सुनी भी नहीं जाती थी और इतनी ज्यादा तादाद में नहीं थी जितनी आज हैं कितनी कितने रिश्ते नाकाम हो जाते हैं क्योंकि सेहत की खराबियों के कितने जवान जो हैं वो किसी काबिल नहीं है सेहत की खराबियों की वजह से उस सेहत की खराबियों में वो तमाम बातें भी सीख करके रखनी चाहिए जो इंसान के सेहत के उन पहलुओं को नुकसान पहुंचाते हैं जिन पहलुओं का तस्कर खुलेआम करना मुश्किल है मगर उन पहलुओं को खुद आप समझ सकते हैं कि जिन जिन एतबारों से इंसान अपनी सेहत को नुकसान पहुंचाता है उससे अपने मैं समझता हूं कि आपको ये सारी बातें दोषा शायद नहीं कह पाएगा मगर मैं हमदर्दी की बुनियाद पर साफ साफर्स करना चाहूंगा आपकी सेहत आपके हाथ में अमानत है ये तनहा आपकी नहीं है यह मुस्तबिल में आपकी सेहत आपकी होने वाली बीवी या आपके होने वाले शोहर की है अमानत है आपके मुस्तबिल आपके बच्चों की अमानत है आपके मुस्तबिल में बुढ़ापे में बुढ़ापे में आपके वालदे की अमानत है आप अपनी सेहत की हिफाजत करें तो अपनी सेहत की हिफाजत अपने कैरेक्टर की हिफाजत मोहम्मद और ये दोनों काम करते थे चुनाचे जनाब रसोल अक्रम सल्लम की बहुत खूबियों में से जो खूबियां किसी इंसान के अंदर नहीं उन खूबियों में से एक खूबी यह भी थी कि आप आइंदा क्या क्या होगा यह सब पहले बता चुके और किसी ने भी नहीं, नहीं बताया और है यह बहुत मुश्किल दुनिया में किस इंसान के बस में है जो कह सकेगा पांच सौ साल के बाद क्या होने वाला है अगर आज से पचास साल पहले हमें कोई इंसान ये कहता कि एक मोबाइल हाथ में आएगा वो एक छोटा सा डब्बा होगा उस डब्बे में डिजिट दबाएंगे और दुनिया में जहां चाहे आप बात कर सकते हैं तो हमें हर शख्स कहता है ये नामुमकिन है और हर शख्स ये कहता है ये तो पागलपन की बात है ये कभी नहीं हो सकता कि छोटे से डब्बे के अंदर हम बटन दबाएं और बटन दबाने के बाद फिर दुनिया में जहां चाहे बात कर सकते हैं लेकिन आज तो सेल हर एक आदमी के हाथ में है भी मुश्किल है। मगर मुहम्मद के थे, बयान कर दिया है चुना चाह आज का ये दौर जिसमें हम जिंदगी गुजार रहे हैं इस दौर को हमारे नबी ने किस तरह से पॉइंट आउट किया है साफ साफ ये, ये चीजें होंगी मसान ने क्या फरमाया फरमाया जब मक्का मुकरमा की बिल्डिंगें यहां के पहाड़ों से ऊपर हो जाएंगी और यहां के जमीन को चीर कर रास्ते बनाए जाएंगे समझ जाना क्यामत नजदीक आ चुकी है उस वक्त तक तो कंस्ट्रक्शन का ऐसा सिस्टम नहीं था दुनिया में कि सब सौ सौ बिल्डिंगे बनाई जाएं लेकिन उस वक्त उन्होंने ये कहा उस वक्त तो मुमकिन नहीं था कि अंडरग्राउंड रास्ते बनाए जाएं उस वक्त हमारे नबी यह बात कही आज वहां जो आदमी भी जाता है वह जा, देखता है कि वहां की बिल्डिंगे वहां के पहाड़ों से बहुत ऊपर जा चुकी हैं वहां अंडरग्राउंड रास्ते ऐसे बनाए गए हैं कि शायद वर्ल्ड में कहीं नहीं है तो मोहम्मद इसी तरह से हमारे नबी ने फरमाया क्या फरमाया मैंने अपनी उम्मत के दो तबकों को जहन में जलते हुए देखा उनमें से एक तबका तो मर्दों का है जिसमें मर्दों की आवारगी जिसमें मर्दों की बदकिरदारी जिसमें मर्दों का जुल्म बयान किया गया कि जो इस तरह से बुराइयों में होंगे उनको मैंने आज ही जहन्नम में जलते हुए देखा और दूसरा जो आपने फरमाया मैंने अपनी उम्मत की उन औरतों को जहन्नम में जलते हुए देखा फिर आपने फरमाया वो औरतें जो कपड़ा पहनने के बावजूद नंगी होंगी फिर फरमाया माँ तुन मुमी लातुन जो यहीं से लड़कों का पीछा करेंगी बस हमको अपने किरदार को देखना है कि हम इस कैटेगरी में तो नहीं आ रही हैं कामयाब बल्कि मुबारक उस बेटी को जिसने इस एतबार से अपने कैरेक्टर को बचाया हमारे समाज में ऐसा हो सकता है कि आपको पीछा हो और हो सकता है कि आपको शैतान करे किसी का पीछा कराने में में उस वक्त अपने आप को को काबू रखें मैं समझता हूं बहुतों यह कड़वा लग रहा होगा मगर हमदर्दी का तकाजा यह है कामयाब डॉक्टर वो है जो अपने पेशेंट को साफ साफ बताए आपको किन किन चीजों से परहेज करना चाहिए तो मेरे भाइयों मैं अपनी उन तमाम बहनों या बेटियों से साफ साफ कहना चाहूंगा अपनी कैरेक्टर की हिफाजत करें जिस किस्म की सोसाइटी में आप हैं या तो शैतान आपको मुबतला कर देगा या शैतान किसी को आपके पीछे लगाएगा अपनी जवानी को अगर आपने बचा लिया तो मुस्तबिल में आप अपनी अगली लाइफ के लिए रहमत बन सकेंगे वरना आपकी फ्यूचर की लाइफ तबाह हो जाएगी और हमने हजारों की जिंदगी तबाह होते हुए देखी है सीरत तयबा का पैगाम यही क्योंकि जनाब रसोलिया फरमा रहे हैं तो फरमा रहे हैं बोहस का मौसम होने वाला है अब होने वाला है हमें इसके माना मानिए ना जब हुजूर ने फरमाया तो होगा लिहाजा हम क्यों अपने आप को बचा नहीं बताया इसीलिए ताकि आप अपने आप को उसे बचा सके इस्लाम आज के जमाने में कंफ्यूजन है उन कंफ्यूजनों में औरत को भी कंफ्यूजन की चीज बना दिया गया दूसरी तरफ से हम सब जानते हैं कि इस्लाम ने औरत का जितना दर्जा बर उतना न किसी मजहब में न किसी सोसाइटी में दफा एक साहब मुझे मिले क्या मैंने कहा जी आप लोग औरतों के हकूक की बात बहुत करते हैं मैं आपसे चंद बातें पूछना चाहता हूँ क्या ले फरमाइए मैंने कहा माँ का हक क्या है आपके क्या कह लेगा कुछ भी नहीं मैंने कहा बेटी का हक क्या है कह लेगा कुछ भी नहीं मैंने कहा बहन का हक क्या है कह लेगा कुछ भी नहीं मैंने कहा फूफी और खालाओं का हक क्या है क्या लेगा कुछ भी नहीं मैंने कहा फिर कौन सी औरत हुक लिए हुए हैं हकूक निस्वाँ की तहरीक चला रही वो क्या हक है वाक़ असल में यह है कि हुकूक नस्वां की आज की तहरीक सिर्फ कन्फ्यूजन की तहरीक है मतलब यह है कि औरत जितनी ज्यादा से ज्यादा नंगी होकर के बाजार में आ जाए यह मकसद है वरना इस्लाम ने मां का जो दर्जा दिया है किसी मजहब किसी कानून में नहीं इस्लाम ने बेटी का जो दर्जा दिया है किसी मजहब किसी कानून में नहीं इस्लाम ने बहन का जो दर्जा दिया है किसी मजहब किसी कानून में नहीं इस्लाम ने बीवी का जो दर्जा दिया है किसी मजहब किसी कानून में नहीं आज आमतौर पर हमारे सामने यूरोपियन लाइफ स्टाइल आइडियल माना जाता है मगर मैं आपसे साफ साफ कहना चाहूंगा आपको शायद नहीं मालूम है यूरोप में बीवी का कोई हक हाँ शोहर पर नहीं है बस जब निकाह हो जाएगा बीवी को अपनी कमाई खुद खानी है शोहर को अपनी कमाई खानी है यूरोप के समाज में तो बीवी अपने शोहर से कहती है शाम तक के लिए एक सिगरेट मुझे उधार दे दो तो फिर कौन से औरत के हुकूक हैं हक यह है इस्लाम ने औरत को मुकम्मल हुकूक दिए हैं मां होने के एतबार से औरत का दर्जा इतना है कि नबी ने फरमाया इसके पाओं के लिए जन्नत है बेटी होने के अतबार से हमारे नबी ने फरमाया कि जिसको अल्लाह ने एक या दो बेटियां दी हों और उसने उनके तरबियत की और फिर ठीक तरह से रिश्ता कर दिया हजून फरमाया वो आदमी और मैं दोनों एक साथ जन्नत में जाएंगे और बहन के बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जिस आदमी की बहन वापस आ गई और उसने अपनी बहन को खिलाया पिलाया वो सारा सदका है और एक हदीस में फरमाया कि जिस आदमी की बहन वापस आ गई वापस आ गई का मतलब या तो उसका शौहर वफात पा गया और वो वापस आ गई और या फिर वहां डिवोर्स हो गया और वह वापस आ गई और उसने अपनी बहन को खिलाया और पिलाया ठीक तरह से तो अल्लाह के नबी आ सामने फरमाया उसको अलग से किसी सदका करने की जरूरत नहीं गरज ये कि और बीवी के बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया मेरी वसीयत कबूल करो अपनी बीवियों के साथ बेहतरीन सलूक करना और बेहतरीन सलूक करते हुए फरमाया मैंने भी अपनी बीवियों के साथ बेहतरीन सलूक किया इसलिए हम लोग मर्दों को समझाते हैं अपनी बीवियों का अपना मोहसिन समझो इसलिए कि इन्हीं बीवियों के जरिए से तुम्हें हलाल औलाद मिलेगी इन्हीं बीवियों के जरिए से तुम गुनाओं से महफूद रहोगे इन्हीं बीवियों के जरिए से तुम्हारा घर खड़ा रहेगा इन्हीं बीवियों के जरिए से तुम्हारी औरत की परवरिश और तरबियत होगी लिहाजा औरत मर्द के लिए महसिन ही महसिन है इसके बावजूद आज के जमाने में कन्फ्यूजन पैदा किया गया नतीजा निकलता बहुत सारे मुसलमान कहते हैं इस्लाम में तो बड़ा जुल्म है इस्लाम ने औरत को वरासत उस वक्त दी जब दुनिया के किसी मजहब और किसी कानून में औरत को वरासत नहीं थी उस वक्त इस्लाम ने औरत को वरासत दी है और एक एतबार से नहीं ये मां है तब भी उसको वरासत मिलेगी ये बीवी है तब भी वरासत मिलेगी ये बेटी है तब भी वरासत मिलेगी और यह बहन है तो कभी मिलेगी कभी नहीं मिलेगी तीन जगह तो उसको वरासत मिल गई गरज है कि इस्लाम ने औरत को माली एतबार से भी कैरेक्टर के एतबार से इतना ऊंचा दर्जा औरत का कर दिया कि अगर किसी मर्द ने किसी खातून को तोहमत लगाई सिर्फ तहमत लगाई तो इस इंसान को अस्सी दूर सजा लग जाएगी क्योंकि तुमने तोहमत क्यों लगाई लगात के तहफु सी है और अगर किसी औरत की इसमत को छोड़ा गया उसकी सजा तो इस्लाम में बहुत ज्यादा सख्त है मेरे इस कहने के माना यह है आज का दौर कंफ्यूजन का दौर है अपने आप को उस कंफ्यूजन से बचाएं आज तो अल्लाह की के बारे में कंफ्यूजन लोगों को होता है मोहम्मद रसुल्ला के बारे में लोगों को कंफ्यूजन होता है कुरान के बारे में लोगों को कंफ्यूजन होता है अभी तकरीबन एक महीना पहले मुझे एक नौजवान लड़का मिला यहां कुफाड़ा से हम आ रहे थे तो वहां रास्ते में मिला और गाड़ी में बैठे गाड़ी में बैठे कहने लगे साहब इसका क्या सबूत है ये कुरान खुदा की किताब है तो मैंने कहा इसका सबूत ये है कि तुमने कुछ पढ़ा ही नहीं है इसलिए तुम ये कह रहे हो अगर तुमने कुछ पढ़ा होता तो तुम ये सवाल ही नहीं करते कह लगा मैं इसलिए तो पूछ रहा हूं मैंने कहा आपको यह पूछना चाहिए कि कुरान खुदा की तरफ से आई हुई किताब है इसकी डिटेल मुझे समझाएं आप तो तुम तो पहले कहते हो कि साहब कुरान खुदा की तरफ इसका क्या सबूत है उसकी जब डिटेल आप पढ़ेंगे तो आपके पास कोई ही नहीं रहेगा यह माने बगैर कि कुरान यकीन खुदा की किताब है फिर उसको तो जब जरा तफसील से तो समझाने सम्झा, के बाद वो मुतमिन हो गया गरज ये कि आप अपने दिमाग को उस कंफ्यूजन से बचा कर चलाएं जिस कंफ्यूजन में आज का नौजवान मुबला हो जाता है और कंफ्यूजन के शिकार होते होते पच्चीसवें हो जाते हैं इसी तरह से आप अपनी जवानी को उन बुराइयों से बचाएं जिन जवानियों जिन बुराइयों में आज का नौजवान मुबतला होकर तबाह हो जाता है और उन जवानियों से खास तौर तो पर चंद वो खराबियां जिन खराबियों में मुबतला होने के बहुत ज्यादा खतरे हैं उनमें आप डांस का शिकार हो जाए आप म्यूजिक का शिकार हो जाए आप ड्रग्स का शिकार हो जाए आप गलत ताल्लुक में मुबतला हो जाए आप रात रात भर जो है वो गलत चैटिंग करते रहें आप गलत मैसेजें करते रहें आप रात रात भर मोबाइल पर गेम खेलते रहें ये सारी चीजें आपकी जवानी के लिए आपकी सेहत के लिए आपके माल के लिए आपके फ्यूचर के लिए मुफीद नहीं मुजिर ही मुजिर हैं सीरत तैयबा तो का पैगाम आपके लिए ही है मोहम्मद और रसूल सल्लाम ने अपनी जिंदगी में एक एक सेकंड का फायदा उठाया चुनाच आपकी जिंदगी में एक मिनट नहीं बताया जा सकता कि आपने कुछ बर्बाद किया हो कहें जाया किया हो यही वजह है कि इस इंसानी तारीख में मोहम्मद सासों से ज्यादा कामयाब इंसान कोई नहीं है मसलन आपने आगाज किया मक्का से इस हाल में आगाज किया कि पूरा मक्का का समाज आपके मुखालिफ है साथ देने वाला कोई नहीं अपने खानदान के लोग भी मुखालिफ हैं इंसान को सपोर्ट मिलता है वालदेन भाई बहनों से वालदेन भी नहीं है भाई बहन भी नहीं इनकान सपोर्ट मिलता है अपने खानदान के दूसरे लोगों से आपके चचा अबोलहब आपके सफ दुश्मन थे आपके दूसरे चचा वो भी सफ तरीन दुश्मन थे एक चचा हमदर्द अबू तालिब अगर वो हमदर्द है सेरा। तो हमदर्दी के अलावा और कुछ कर नहीं सकते आगे क्यों नहीं कर सकते सारा माहौल अबू तालिब ने बहुत शक्कतें की बड़ी मोहब्बतें की हिफाजतें की यह अबू तालिब हजरत अली रजी अल्लाह तआला के तबाजान वारदी ग्रामी है अबू तालिब ही ने वो शेर पढ़ा था जिसको मैंने अभी सुनाया और बुखारी की तो अबू तालिब ही ने आप अली शाम के निकाह का इंतजाम किया था तो बाकी पूरा खानदान आपका मुखालिफ था आपके खास चाचा थे अबू अभूसुफियान वो और ज्यादा खतरनाक तरीके दुश्मन थे तो अब गए मोहम्मद सरोसम एक ऐसे माहौल से आगाज कर रहे हैं जहां सारा आपका दुश्मन ही दुश्मन है आपकी जान के दुश्मन आपके किरदार के दुश्मन तेरह साल आपने वहां गुजारे एक लम्हा भी जया नहीं किया दुश्मन झेलते रहे इसके बाद यहां से निकल करके मदीना शरीफ पहुंचे मदीना शरीफ में दस साल आपने जिंदगी गुजारी इस दस साल के अरसे में जंगे भी हुई टकराव भी हुआ मुसीबतें भी आई फाके भी लगे निका भी हुए कानून साजी भी चलती रही यहाँ तक कि आठ साल के बाद जब पूरा अरब आपके कब्जे में आ गया और दस साल की उम्र के में बारह लाख मुरबा मील पर मोहम्मद की हुकूमत कायम हो गई थी और उस जब हुकूमत कायम हो गई उस वक्त भी आपकी ज़िंदगी बिल्कुल वैसी ही थी जैसे मुसीबत के दिनों में थी जब सारा के इकतदार आपके हाथ में आ गया उस वक्त भी आपने न किसी पर जुलूम किया न किसी को सताया न दौलत जमा की आप खोल करके कह सकते हैं ए दुनिया के हुक्मरानों अगर तुम्हारे ये नमूना कोई बन सकता है वो मोहम्मद रसूलुल्लाह इसलिए कि उनसे ज्यादा कामयाब हुक्मरान कोई नहीं है अली से जिसने स्टार्ट किया और पूरा मुल्क खड़ा किया और मालूम कितने लोग कत्ल हुए हैं उसमें दुनिया में मुल्कों में आते हैं और इनकलाब आने के बाद नई हुकूमतें कायम होती हैं नई हुकूमतें कायम होती हैं फिर देखते हैं कितने लोग मारे गए हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग बदर से लेकर के जंग तबू तक इक्कीस या पच्चीस या सत्ताईस जंगे लड़ी हैं और इन तमाम जंगों में मरने वालों की तादाद मुसलमान और गैर दोनों मिलाकर सिर्फ एक हजार अठारह एक हजार अठारह इंसानों के मरने पर इस्लामी मामलाकत खड़ी हो गई पूरा मुल्क तैयार हो गया और ऐसा मुल्क तैयार हुआ उससे ज्यादा बेहतरीन इंसान इस कायनात में पैदा ही नहीं हुआ है हजरत अबूबकर हजरत उमर हजरत उस्मान हजरत अली ऐसी जैसी शख्सियत पैदा हुई है इस इंसानी तारीख में वैसी शख्सियत कहीं पैदा नहीं हुई है और न किसी इंसान ने ऐसी ऐसे लोग पैदा किए हैं जो इनतहा उजट किस्म के लोग जाहिल किस्म के लोग अनपढ़ किस्म के लोग जुल्म करने वाले इतना ही आदिल इंसान बने हैं हजरत उमर इब्न खत्ताब उबर ख़तब रजील तो ने मतबार रात को बैठ करके हिसाब लिख रहे थे क्या हिसाब लिख रहे थे फौजियों में तनख्वाहें तकसीम करनी थी और किस फौजी को तनख्वाह जा चुकी है किसकी बाकी है यह रात का बैठ के हिसाब लिख रहे थे तो बाहर से आवाज आई हद उमर रहा सोचा कि इस वक्त मैं हुकूमत का काम कर रहा हूँ न जाने कौन साहब हैं कि जो इस वक्त इस वक्त नामा से वक्त में आ गए लेकिन फिर सोचा हो सकता है कोई जरूरतमंद होगा उठ खड़े हुए और दरवाजे में जा पूछा कौन है तो बाहर से आवाज आई अली यानी हजरत अली करमल्ला तद उमर फ़ौरन सोच कि हजू नबी आई के चेचेरे भाई हजूर की दामान हजरत हाजमा के शोहर इसलिए फ़ौर दरवाज़ा खोला सोचा कोई मजबूरी का कोई मजबूरी का काम पड़ गया होगा इसलिए इस वक्त रात में आ गए हैं दरवाजा खोलते ही फरमाया आप अपने काम के लिए आए हैं या आवामी काम के लिए तो हजरत अली करमल तौज ने फरमाया नहीं नहीं मैं अपने काम के लिए आया हूँ आवाम को कोई काम नहीं हर उमर ने फरमाया रुक जाए पहले चराग बुझा दिया चराग बुझाने के बाद फिर फरमाया आप अंदर आ जाइए हदर अली ने फरमाया ये तालाब क्यों बुझाया फरमाया ये बैतुलमाल का चराग जल रहा था और तुम जती काम के लिए आए हो झाती काम के लिए मैं बैतुलमाल का चराग नहीं जला सकता ये अमीर उमनी ये किसने ये शख्सियत तैयार की थी मोहम्मद तो मेरे नौजवान भाइयों आपकी जवानी कीमती कीमती है इस को दाल दार मत होने दें ये आपके हाथ में अमानत है इस अमानत को तबाह मत होने दें कुरान करीम में अल्लाह फरमाते हैं वाली अमान सच्चे ईमान वाले हैं जो अमानत की हिफाजत करते हैं और अमानतों में इस वक्त आपके हाथ में अमानत आपकी जवानी है यह आपकी अपनी नहीं है ये उस अल्लाह की दी हुई है जिस अल्लाह ने हमको किसी को मर्द बनाया किसी को औरत बनाया ये पूरा पूरा जिस्म अता किया इस जिस्म की सारी सलाहियत अता की खूबसूरत से खूबसूरत जिस्म अता किया है यह अमानत है ये आंखें अमानत ये दिमाग अमानत ये मेमोरी अमानत ये जवानी की खूबसूरत आजा अमानत इन अमानतों का गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे और अगर गलत इस्तेमाल होते हैं तो जनाब रसोल अक्रम साहब से पूछा गया यार रसोल्ला कयामत कब आएगी हजूर ने जवाब बुखारी में हदीस है यार सुल्ह कयामत कब आएगी हजूर ने जवाब नहीं दिया साहबा कहने लगे शायद नामुनासि वक्त में सवाल किया गया हजूर जब गुफ्तू कर रहे थे तो बीच में सवाल नहीं करना चाहिए इस शख्स ने गलत सवाल किया है या नामनासिब में सवाल किया इसको रुक जाना चाहिए था जब हजूर अपनी बात पूरी कर लेते उसके बाद फिर ये सवाल करता तो ठीक था इसने गलत मौके पर सवाल किया इसके हजूर ने तवज्जो नहीं दी हजूर अपनी गुफ्तगू करते रहे जब बातचीत मुकम्मल हो गई उसके बाद आपने फरमाया सवाल करने वाला कहां चला गया उस ना सर ऊपर किया हजरत मैं हाजिर हूं फरमाया क्या सवाल किया था तुमने क्या हजरत मैंने यह सवाल किया था कयामत कब आएगी ने फरमाया फिर जब अमानत जया होने लगे तो तैयार इंतजार करना इंतजार करना कि कयामत करीब आ गई है उसने कहा कैफा जुयातल अमानतो अमानत कैसे जया हो जाएगी आपने फरमाया फंतर साह जब इंसान उन को अपने हाथ में लेगा जिनों की वो रियायत न कर सके और हाथ में लेकर पूरा नहीं करेगा तो समझो तुम समझो अमानत को जया कर दिया यानी अमानत का तस्वर इस्लाम में यह है आपके पास हर चीज अमानत है आप पागदान है या पागदानी आपके पास अमानत है ऐसा ना हो आपने दानी को दागदार कर दिया आपने खैरत की आपकी आंख आपके पास अमानत है जनाब रसूल अक्रम जब दुआ करते थे तो क्या कहते थे मेरा दिल निफाक से पाक रहे या अल्लाह मेरी जुबान झूठ बोलने से पाक रहे या अल्लाह मेरी आंख खयानत न करे आज के मर्दों के लिए मुश्किल तरीन चैलेंज है ये क्योंकि हमारी बहनें, हमारी बेटियां हमारे सामने रहती हैं और उस तब की आंखों को बचाना मुश्किल है मगर कामयाब होना जरूरी इसके बाद कोई चार का नहीं अल्लाह माहिर कल भी मिनल नफाक वह आमाली मिनल रियात वह निशानी मिनल किसम वह मिनल और आंख को ख्यान से बचाए वो खातून जो पर्दा करती है वो दरअसल मर्दों को मैसेज देती है कि मैं तुम्हारी आंखों की हिफाजत का जरिया बन रही हूं और वो लग, वो नौजवान जिससे सामने हमारी कोई बहन गुजरे उस वक्त अपने आप को कहें कि देखो तुम्हारे लिए बड़ा मुश्किल इम्तिहान है मगर अपनी इम्तिहान में कामयाब होकर के दिखाओ अगर तुमने अपनी आंख की खयानत की इसका मतलब यह है कि तुमने अमानत की हिफाजत नहीं की तो आपकी जवानी आपके हाथ में अमानत है इस जवानी को दाग मत लगने दे आप इस वक्त पढ़ रहे हैं यह मत समझें बस आपके हाथ में खाली कागज का वर्का आ गया डिग्री आ गई नहीं मुस्तकबिल बहुत मुश्किल आ रहा है उसमें बड़े कम मुश्किल किस्म के चैलेंज आपके सामने आएंगे आज का जमाना कंपटीशन का जमाना है कमजोर कमजोर सलाहियतों वाला कहीं नहीं लगता है और काबिल आदमी होता है तो हर जगह उसको ऑफर ही ऑफर मिलता है अभी तीन दिन पहले एक नौजवान लड़के से मैंने पूछा आज तुमने क्या डिसाइड किया कह लगेगा जी फला यूनिवर्सिटी से मुझे ऑफर आ गया है और तीन अरब मुल्कों से मुझे ऑफर आ गया और चार चार यूरोपियन मुल्कों से मुझे ऑफर आ गया इस वक्त यह लड़का दुबई में है काबिलियत जब होती है चारों तरफ से ऑफर है तो आप अपने अंदर पैदा करें जिस सब्जेक्ट को भी पढ़ रहे हैं मेहनत करने के बाद अगर आपके अंदर काबिलियत पैदा होगी सारी दुनिया आपके सामने आंखें भी जाएगी लेकिन अगर आपके हाथ में वर्का होगा और काबिलियत कुछ नहीं होगी तो आप किसी काम में नहीं रहेंगे जिंदगी नाकाम हो जाएगी अपनी कैरेक्टर की हिफाजत करें अपनी जवानी को अमानत समझें और अपने अखलाक को अपने अंदर अखलाक पैदा करें जिन उस्तादों से आप पढ़ रहे हैं वो उस्ताद चाहे आपसे उम्र में छोटा हो पर जो ही एक आदमी का उस्ताद का दर्जा आ गया उसका और उसका, उसका एहतराम करना लाजिम है हमारे समाज में एक बड़ा मसला ये भी हो गया है कि साहब उस्ताद और शागिर्दों के दरम्यान में एज गैप है ही नहीं वो दोनों ही जैसे हैं तो शागिर समझता है ये भी मुझे ऐसा लड़का ही है मुझे इसका क्या एहतराम करना है नहीं हजरत अली करमल ताल वजह फरमाया करते थे कि जिस शख्स ने मुझे एक हरफ़ सिखाया वो मेरा उस्ताद है मैं उसका गुलाम हूं उसको इजाजत है मुझे बेच करके उसका पैसा जो है अपनी जात पर खर्च करे तो इसलिए अपना वो भी जो भी उस्ताद हमारा हो उसका एहतराम करना चाहिए उसको अपनी अजमत देनी चाहिए और जितना हमारे सिस्टम में तो ये है कि जो जितना अपने उस्ताद का एहतराम करेगा जितना अपने उस्ताद का एहतराम करेगा उतना ज्यादा उसको इल्म आता होगा चोना हमारे बुजुर्गों में से हजरत मौलाना अनवर शा साहब उनके उस्ताद थे हजरत मौलाना महमूद हसन मौलाना अमर शाह साहब रही कहते हैं अगर मैं कभी बेवजू अपने उस्ताद की मजलिस में जाता था तो हमारे उस्ताद फौरन कहते थे मौलवी अनवर इस वक्त तबीयत कुछ ठीक नहीं है आप इस वक्त चले जाओ मैं इस वक्त आराम करना चाहता हूं और जब मैं बा, बावजू जाता था तो मेरे उस्ताद ये कहते थे मौलिया अनवर बैठे रहो तुम्हारे बैठने से बड़ी बसरत हो रही है तो मौना अनवर शाह साहब कहते हैं मैं उस्ताद के एहतराम में बावजू के मजलिस में जाता था तो हमारा मिजाज तो यह रहा है अदब का इसलिए अपने उस्तादों का एहतराम करना चाहिए अपनी जवानी की हिफाजत करनी चाहिए मैं सीरत और तैया के एक दो वाक्य सुना करके इस इस वक्त की गुफ्तगू तो को ख़त्म करता हूं लेकिन उससे पहले मैं ये चाहूंगा कि आप हजरात से खुल करके या करूं अगर कोई बात आपकी तबीयत के खिलाफ गुजरी हो या आपको नागवार गुजरी हो तो मकसद हर गिज ये नहीं है कि आपको तो रूहानी तौर पर कोई अजीत पहुंचाया जाए मकसद सिर्फ यह है कि आपको एक मैसेज मिले सीरत के हवाले से कि ए नौजवान भाइयों मुस्तकबिल की जिंदगी डिपेंड करती है आज की इस नौजवानी पर इस नौजवानी को जैसे आप गुजारेंगे वैसे ही मुस्तबिल आपका रोशन से रोशन तर होगा इस रोशन मुस्तबिल के लिए जरूरी है आप दिमागी तौर तो पर किसी कंफ्यूजन के शिकार न हो अपने इस्लाम के ख्याल को पुख्ता रखें और जहां कहीं कंफ्यूजन हो जाए अपने इल्म की कमजोरी के बिना पर फौरन फैसला न सुनाएं बल्कि किसी जानने वाले से कांटेक्ट करें मगर अपने दिमाग को बुरे ख्याल से बचा करके रखें ऐसा हो सकता है कि आपको पता भी नहीं चलेगा और आपका ईमान छिन चुका होगा अल्लाह के बारे में नबी के बारे में नबियों के बारे में कुरान के बारे में आखिर के बारे में नेकी और गुनाह के बारे में किसी कंफ्यूजन का शिकार ना हो इसका ताल्लुक इंसान के ईमान के साथ दिमाग के साथ है अमली तौर पर उन तमाम खराबियों से बचें आज हम आपको यह नहीं बताएंगे कि आप करप्शन मत करें क्योंकि करप्शन आपका केस नहीं है करप्शन तो दफ्तर वालों का केस है इस वक्त आपको यही बताएंगे कि आपकी जवानी में जो दाग लग सकते हैं उन दागों से अपने आप को बचा करके चलाएं जनाब रसोल कर सल्लासम मदीना शरीफ में है आप हुक्मरान हैं और हुक्मरान हैं आप हुक्मरान हैं हुजूर बीमार हो गए आखिरी लम्हे थे पता यह चला कि हुजूर के घर वालों के पास खाने का को कोई इंतजाम नहीं हुजूर के घर वालों के पास खाने का को कोई इंतजाम नहीं आपने सोचा कि मैं तमाम लोगों से अगर कहूंगा तो साहबा परेशान हो जाएंगे आपने किसी से जाहिर नहीं किया एक यहूदी की पास इतला भेजी कि मेरे लिए कुछ उधार भेजो अनाज उधार भेजो ताकि मैं अपने अपने अजाज मुता को खिला सकूं उस यहूदी ने इनकार कर दिया उसने यह कहा कि आप बीमार हैं अगर मेरा कर्जा बाकी रह गया तो मुझे कौन अदा करेगा क्योंकि आपका कोई भाई भी नहीं आपका कोई बेटा भी नहीं सोचे बारह लाख मील पर मुजूर की हुकूमत चल रही है और हजूर के घर में फाका दुनिया में कौन सा हुक्मरान होगा ऐसा जनाब भेजी मैं अपनी कोई चीज तुम्हारे पास बंद रखूंगा उस यहूदी ने कहा बहुत अच्छा तो आपने अपनी जिरा भेज दी और वहां बंद रखी गई और तकरीबन चौदह या पंद्रह किलो जो उसने भेजा वो हजूर के तक किया हज़रत आयशा सिद्धिका हदीस को बयान करती हैं बुखारी शरीफ में वफात नबी का बयान जहां पर है वहां मौजूद है मोहम्मद दुनिया से रुख्सत हो गए और आपकी जेरा उ आप दुनिया को मैसेज दे सकते हैं मोहम्मद से ज्यादा बेहतरीन हुक्मरान कौन होगा कि जिसने अपने घर की अजवा मुतारा के फाके बर्दाश्त कराए मगर हुकूमत की कोई चीज अपने घर में नहीं इस्तेमाल होने दी एक मरतवा जनावे साहब बड़े शौक से हजरत फातिमा के घर गए हजरत फातिमा बेटी थी और वहां हसन व हुसैन है जब तशीफ दे गए तो वहां हसन हसन को गले लगाया और गले लगाने के बाद फरमाया मेरा यह बेटा सैयद है इब्नी हादसा सैयद मेरा ये बेटा सैयद है आइंदा मेरी उम्मत के दो बड़े तबकों को इस मेरे बेटे के जरिए से सुलह हो जाएगी चुनाचा हजरत अली और हजरत अमीर माविया रजी अल्लाह तरमियान जो जंग हुई है वो बड़ी तवील है मुझे इस वक्त पर बात नहीं करनी हैली रजी अल्लाह तुन को जब शहीद कर दिया गया ममलकत इस्लामी दो हिस्सों में तकसीम थी हसन रजी अल्लाह तौ शख्स हैं जिसने ममलकत को फिर एक कर दिया था ये हसन प्यारा बेटा एक बता हजूर के घर में आए बोरी के अंदर खजूरें रखी थी तो हजरत हसन गए और मुझे एक खजूर निकाली तो उंगली डाली और खजूर की खजूर है खबरदार ये नहीं खाना हमारे लिए जक़ात हराम है तुमने कैसे खाया इसमें से मुंह से निकाल दिया ठीक मोहम्मद शासम कानून बनाने वाले है और कह सकते थे बेटा ये सारी बोरी में तुम्हारे लिए मगर नहीं दुनिया में कौन सा अफसर कौन सा हुक्मरान होगा जो इतनी एहतियात करेगा यहां आज की दुनिया में तो अफसरों का आज की दुनिया में तो हुक्मरानों का हाल यह है कि वो अपनी कुर्सियों को इस्तेमाल करते हैं अपने घर बनाने के लिए मोहम्मद साहब बेहतरीन नमूना है हुक्मरानों के लिए जनाब रसूल अकरम साहब साथ तजारत करने के लिए मुल्क की शाम गए और वहां कस्टमर जब आता था फरमाते थे ये चादर है इसमें दाग लगा हुआ है ये चादर है ये खराब है यह फलानी चीज है इसके अंदर यह डिफेक्ट है तो उनका जो नौकर साथ था नौकर साथ था कहा हजरत आप कैसे दुकानदार हैं आप कैसे हैं? से कस्टमर को बताते हैं इसके अंदर ये खराबी तो मोहम्मद हम किसी को धोखा नहीं दे सकते हुई भी, भी नहीं थे जब वापस आए हैं तो खिलाफ तब बहुत ज्यादा नफा हो चुका था इतना ज्यादा नफा हो चुका था कि खदीजा रोजील को उससे ज्यादा नफा इससे पहले कभी नहीं हुआ था यही मोहम्मद जब वो तशीफ ले जा रहे थे बारह साल की उम्र है अब तालिब के साथ जा रहे हैं अबू तालिब से कहा आप जा रहे हैं मुल्क शाम मुझे अपने साथ ले चले अबू तालिब ने सोचा ले जाना तो नहीं था मगर इसलिए ले जाऊंगा क्योंकि यतीम मेरा भतीजा है इसका वालिद नहीं है अगर मैं इनकार करूंगा इसका दिल दुखेगा अपना वालिद होता तो वालिद को वालिद इनकार भी कर सकता था मेरे लिए मुनासिब नहीं इनकार करना इसलिए न चाहते हुए भी और न चाहना किसी वजह से नहीं न चाहना इसलिए था कि भतीजा है ऐसा ना हो इतना लंबे सफर में उसको तकलीफ हो जाए बहरहाल तो अबू तालिब ने मान लिया चलो मेरे साथ बारह साल की उम्र है मोहम्मद की और ये हजूर्ग अबू तालु के साथ सफर में निकले मुल्क शाम की सरहद पर जब पहुंचे हैं तो वहां एक नाले के अंदर एक ईसाई राहिब के चर्च था जिसमें बैठकर वो इबादत करता था उस ईसाई राहिब का नाम बहरा था यह बुहरा वहां चर्च में इबादत करता था ये कभी बाहर नहीं निकलता था जब यह काफिला वहां से गुजरा तो वो चर्च को का राहिब बाहर निकल आया और बाहर निकलने बाद काफिले वालों को रोक करके कहा आप लोग कहां से आ रहे हैं उन्होंने कहा अरब के एक शहर मक्का से आप लोग कहां जा रहे हैं उन्होंने कहा मुल्क शान काफिले का सरदार कौन है उन्होंने कहा फला साहब है अब तालिब अबू तालिब के पास वो आया कहने कहा आप काफले के सरदार हो उन्होंने कहा जी हो इस राहिब ने कहा मेरी चाहत ये है मेरी ख्वाहिश यह है कि आप लोग मेरी दावत कबूल कर लें अबू तालिब कहते हैं हम हैरान हो गए हम इससे पहले बार बार यहां से गुजरे थे इस राहब ने कभी हमारी दावत नहीं की यह कभी बाहर भी नहीं आता था इस दफा उसे दावत की हमने कहा बहुत अच्छा क्योंकि वो बुजुर्ग थे और वो समझते थे इबादल गुजार इंसान है दावत कबूल कर ली और कहा ठीक बहुत अच्छा उन्होंने कहा मैं खाने का इंतजाम करता हूं तब तो का आप काफिले को उतार दें और अपनी सवारियां सवार से सामान नीचे उतार दें अबू तालिब ने काफिले को रोका सामान उतारा गया सामान उतारने के बाद फिर जो ऊंट थे उन ऊंटों को चरने के लिए करीब की पहाड़ियों में भेजा गया और अबू तालिब ने सोचा कि यह दावत मैंने जाने क्या खिलाएगा कम से कम अपने भतीजे को मैं बचाऊंगा भतीजू को नहीं ले जाऊंगा चुनाच हजूर मोहम्मद फरमाया लोगों को बुलाया खाना तैयार है आप लोग अंदर आ जाए खुद गेट पर खड़ा हुआ ये सारा काफिला जब अंदर चला गया एक, -एक आदमी को देखता रहा उसके बाद बहरा राहिब ने कहा काफले के सरदार अबू तालिब आप हैं ना उन्हें कहा जी कोई आदमी पीछे रह गया उन्हें कहा कोई आदमी नहीं 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 कोई साहब पीछे रह गए उन्होंने कहा नहीं कोई नहीं क्या लगा सही सही बताओ कोई पीछे रह गया है उनका छोटा लड़का है बारह साल का तो बहरा राहिब ने कहा उसी लड़के की वजह से तो दावत हुई और फिर अब बहरा राहब ने कहा जब तुम इस पहाड़ी से नीचे उतर रहे थे तो मैंने देखा हर दरख्त में गिर गया तो मैं समझ गया जिस नबी के इंतजार में मैं इस गली में बैठा हूं वो नबी इसी काफले के अंदर है बहरहाल अबू तालिब ने बुलाया अब जनाब रसोई अक्रम साजम बारह साल का बच्चा वो पहुंच गए राहब देखता रहा ऊपर से नीचे तक जिस आंगन के अंदर इनको बिठाया गया उस आंगन के बीच में एक दरख्त था साया जहां तक था वहां सारे लोग बैठ चुके थे अब में जगह नहीं थी मोहम्मद आसम चारों तरफ से देखते रहे कहा साया मुझे मिलेगा जब साया कहीं नहीं मिला तो आखिर में एक जगह पर बैठ गए तो दर की शाख नीचे को झुकी और वहां तक साया पहुंच गया उसके बाद फिर काफले वालों ने खाना खाया जब तो काफले वाले बाहर निकले तो बहरा राहिब ने बारह साल के मोहम्मद को खड़ा किया और चंद सवाल किए और फिर उसके शक्ल आपकी शक्ल को आपके जिसम को और खास तौर पर आपके कमर के बीच में पाई जाने वाली मोहर लबोत को देखा जब उसे चक इस बीच में जनावे रसुल उस दरख्त के साथ खड़े रहे हैं जिस दरख्त के नीचे साए में थे उस दरख्त के साथ खड़े रहे हैं ठीक ये सारी गुफ्तु हो गई उसके बाद फिर बहरा राहिब ने अबू तालिब से कहा इस बच्चे को आगे मत ले जाओ आगे हो सकता है इसको कोई नुकसान पहुंचेगा मेरा मशवरा है बच्चे को वापस ले जाओ या वापस भेज दो अब आगे अबू तालिब ने किया कहा मुझे उससे इस वक्त वो नहीं बताना है अर्ज ये करना है जिस दरख्त को जिस दरख्त को मोहम्मद ने उस वक्त टच किया था वो दरख्त आज तक आज तक उसी तरह से सरसवद आता है और ये उर्दू उनके अंदर दरख्त गिर जाता है नीचे से फिर निकल आता है महकमे नबाता के माह इस तरह के दर के कई इम्कान नहीं है न जमीन में पानी है हमको समझ में नहीं आता है कि दर सरसब्ज़ कैसे है टहनी खुश्क हो जाती है गिर जाती है फौरन नई टहनी निकल आती है आज तक वो दरख्त मौजूद है तो जिस मोहम्मद वसलम के टच करने से वह दरख्त आज तक रहा उस मोहम्मद वसलम की सेरत हम अपनाएंगे तो हम भी इन शाह ऐसे जिंदगी भर सरसब्ज शादाब रहेंगे अल्लाह आपकी जवानी को आपका कीमती सरमाया बनाएं और आपका मुस्तबिल कामयाबियों से भर दे खुशियों से भर दे तरक्या से भर दे और आपकी मुस्कबिल की जिंदगी आपकी जाति के लिए नहीं आपके घर के लिए नहीं पूरी कौम के लिए ऐसा सरमाया बने कि आप लोगों के लिए रहमत राहमत बने वाख्रदावाना अनहमदबिलमीन बे राहमत कयामी मेरे इन भाइयों ने कहा था थोड़ी सी दुआ करेंगे इसलिए सब लोग दरुशरीफ़ पढ़ें और दुआ करते हैं अल्लाह सला महमद शेज महमद कमा नहीं। मगर यकीन है कि आप हमारे अल्लाह हैं ऐसे ही जैसे हमने अपने रूह को नहीं देखा अपने दिमाग को नहीं देखा मगर यकीन है। मानते हैं आपको क्यों नहीं मानेंगे आपने हमको पैदा किया इंसान बनाया पूरा जिस्म अदा किया खूबसूरत बॉडी अदा की कि, किसी को मर्द बनाया किसी को खातून बनाया या जिसको जो बनाया मुकम्मल बनाया तो हम आपको अपना अल्लाह मानते हैं और आपके नबी मोहम्मद का अपना नबी वशादौन मोहम्मद रसूल या कायनात के मालिक हैं हम आपके बंदे हैं आपके नबी मोहम्मद और रसूलुल्लाह पूरी दुनिया के इंसानों के लिए बेहतरीन रहबर हैं उनसे ज्यादा बेहतर रहबर इस कायनात में कोई नहीं और हम मुसलमान ही नहीं गैर मुस्लिमों ने भी जितने शिकालर हैं मान लिया है यहां कितने प्रोग्राम सुनाए गए कि गैर मुस्लिम फला फला शिकालर ने मोहम्मद सासम के बारे में क्या कहा या अल्लाह यकीन वो इस कायनात के रहबर थे या अल्लाह जिनका तस्करा वेदों में है या अल्लाह जिनका तस्करा तोराक में है या अल्लाह जिनका तस्करा इंजील में है या अल्लाह जिनका तस्करा हर नबी ने किया या अल्लाह जिनका नाम कभी कभी आलुओं में निकलता है कभी आमों में निकलता है कभी खरगोशों में निकलता है कभी चांद पर नजर आता है वो नबी सच्चा नबी है हमारा उस पर ईमान है या अल्लाह हम तौबा करते हैं उन तमाम गलतियों से इस जवानी में हो गई अल्लाह यकीन आज के दौर में इस जवानी को बचाना बहुत मुश्किल है बहुत मुश्किल है मगर हम क्या करें इसी माहौल में जिंदगी गुजारनी है पढ़ना भी है स्कूल कॉलेज भी जाना है हॉस्टलों में भी रहना है कोचिंग भी करनी है या अल्लाह बाजार में भी निकलना है दफ्तरों में भी जाना है कि तो अल्लाह इस जवानी को अगर कोई दाग लग गया तो हम माफी चाहते हैं या अल्लाह जवानी को अगर कोई दाग लग गया तो माफी चाहते हैं या अल्लाह आप हो सकता है हमसे पूछेंगे मैंने तुमको ईमान भी दिया था मैंने तुम्हें पूरा जिस्म अता किया था अब ये जवानी तुम्हारे हाथ में थी तुमने उसको दागदार क्यों किया क्या तुम्हारे सामने मेरी नबी रोल मॉडल नहीं थे आप कह सकते हैं क्या तुम फिल्म स्टारों के पीछे तुम के क्रिकेटरों के पीछे और तुम किन किन के पीछे चलते रहे तुम्हारे लिए तो बेहतरीन नमूना मेरा नबी था तुम उनके पीछे क्यों नहीं चले या अल्लाह अगर कोई गलती होगी तो माफ़ कर दीजिए या अल्लाह अगर कोई गलती हो गई हो तो माफ़ कर दीजिए या अल्लाह जो भी गलतियां कुछ हमें याद हैं बहुत भूल गई आपके यहाँ सारा लिखा हुआ रिकॉर्ड में होगा फरिश्तों ने लिख करके रखा होगा हम एक एक गलती की माफी चाहते हैं और आइंदा इरादा करते हैं अपनी जवानी को उन तमाम गलतियों से बचाएंगे मगर या अल्लाह बहुत मुश्किल है ये आसान नहीं जब तक आपकी तौफीक नहीं होगी तो हम नहीं बचा पाएंगे आज की सोसाइटी में जो जो गलतियां हो रही हैं जो हो जाती हैं उनसे अपने आप को बचाना आसान नहीं आपके तोहफी के बगैर कुछ या अल्लाह हमको अपने वालदेन के लिए बेहतरीन सरमाया बना दीजिए ऐसा ना हो कल को हमारे वालदेन हमारे लिए कहने लगे इससे बेहतर था हम बगैर औलाद के होते ऐसा बेटा हमें नहीं चाहिए ऐसी बीवी हमें नहीं चाहिए या अल्लाह हम मुस्तबिल में हम से कोई किसी का शोहर होगा हमें से कोई किसी की बीवी होगी हमको कामयाब शोहर बनना कामयाब बीवी बनना नसीब फरमा या ला मुस्तकबिल में हमें से कोई अफसर होगा मुस्तबिल में हमें से कोई बिजनेस होगा मुस्तबिल में हो सकता है हमें से कोई साइंटिस्ट बने मुस्तबिल में हम से हो सकता है कोई कोई रहबर बन जाए हम जिस ज़िंदगी के फील्ड में जाए कामयाब से कामयाब ज़िंदगी अता कर दीजिए या अल्लाह आज के ज़माने में जो दिमागी कन्फ्यूजन जो अमली खराबियां हैं उन तमाम खराबियों से हमारी हिफाजत फरमा दीजिए हमारे तमाम ख्वाब पूरे कर दीजिए जवानी में बड़े ख्वाब इंसान देखता है या अल्लाह अपने मुस्कबिल के लिए तरह तरह के ख्वाब देखता है और ख्वाबों में जीता है हमारे तमाम अच्छे ख्वाबों को पूरा कर